तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू एनिमेट लाइक आरजे बकेट लिस्टिंग योर मोबाइल फोन। तो जो है मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा इसलिए क्योंकि जो है मेरे पिछले एनिमेशन वीडियो में जो मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो। एंड मैं जो है इस वीडियो को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट कैरेक्टर ड्राइंग, कैरेक्टर एनिमेशन एंड हाउ टू एनिमेट लाइक आरजे बकेट लिस्ट। तो फर्स्ट और सेकंड को जो है हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तीसरे नंबर के, हाउ टू एनिमेट लाइक आरजे बकेट लिस्ट। तो मोबाइल में आरजे बकेट लिस्ट जैसा एनिमेशन करना पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक अगर आपको इस जैसा एनिमेशन मोबाइल में करना है तो आपको आराम से जो है 4 से 5 महीने लग जाए। तो वो आपको पता चल गया होगा कि आप लोग मोबाइल में कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, कैरेक्टर ड्रॉ। तो आप लोगों को जो है IBISL पेंट एक्स को जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको अपने क्या फेवरेट कैरेक्टर के PNG को इम्पोर्ट कर लेना है। फिर PNG को इम्पोर्ट करने के बाद जो है आपको सेकेंड लेयर को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद जो है आपका कैरेक्टर की आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। कैरेक्टर की आउटलाइन ड्रॉ होने के बाद जो है आपको और एक लेयर को डाउनलोड को बना लेनी है। और एक लेयर को बनाने के बाद जो है आपको उसको कुछ इस तरीके से नीचे ला लेना है। नीचे लाने के बाद जो है आपको इसके ऊपर कलरिंग कर लेनी है, लेकिन कलरिंग करते वक्त आप जो है फिल्म का यूज़ मत करना। ओके, तो इसके बाद जो है आपको और एक लेयर बना लेनी है और इसके बाद जो है आपको शेडोज ऐड कर लेनी है और आपका यहाँ पे जो है कैरेक्टर बन जाएगा। तो यार आप बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, हाउ टू एनिमेट कैरेक्टर। तो आपको जो है पहले यूट्यूब पे चले जाना है और उधर सर्च करना है माउथ ग्रीन स्क्रीन। तो आपको जो भी वीडियो पसंद आती है उसको आपको स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना काइन मास्टर ओपन करना है। फिर उस पर जो है आपको अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको अपने कैरेक्टर को भी इंपोर्ट कर लेना है। उसके हैंड साइंस को जो है अपने मूवमेंट दिखाने के लिए आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर माउथ ग्रीन स्क्रीन को जो है माउथ फेस की तरफ ला के आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका कैरेक्टर एनिमेट हो चुका है। उसके बाद जो है आपको सिर्फ अपनी वॉइस ओवर करना है एंड योर वीडियो इज डन। सो यार गाइज, आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे न्यू कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।